हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लौकी का नाम सुनते ही सभी के नाक मुंह सिकुड़ने लगते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आज हम लौकी का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हलवा बनाएंगे। इसका हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम लौकी ले लिया है, जिसे बहुत जगह पर घिया भी कहा जाता है। देखिए, लौकी जब भी आप हलवा बनाने के लिए लेंगे ना, तो थोड़ा सा खिच्चा यानी कि जिसमें बिल्कुल भी बीज ना हो ना, वो वाली लौकी लीजिएगा। लौकी जब कच्ची रहती है ना, तो उसका हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन अगर बीज वाली लौकी रहेगी ना, तो फिर हलवे का स्वाद इतना अच्छा नहीं आएगा। लौकी को ऊपर नीचे काट करके इसका छिलका हम हटा लेंगे पीलर की मदद से। इसके बाद हम लौकी को धो करके पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। जितना पतला आप काटेंगे ना, लौकी का हलवा उतना ही अच्छा बन करके तैयार होगा। लौकी को तो हमने काट लिया है, देखिए कितने पतले पतले स्लाइसेस काटे हैं ना। तो चलिए अब हलवा बनाते हैं। गैस के ऊपर हमने एक कुकर रखा है। कुकर में एक छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे, और जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, हमने जो लौकी को काट करके रखा है ना पतले पतले स्लाइसेस में, उसे डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम करके 3 से 4 मिनट के लिए हम लौकी को अच्छे से भूनेंगे। लौकी को अच्छे से भूनेंगे ना, तो हलवा में बहुत ही अच्छा सा सोंधा सा स्वाद आता है। इसलिए आप लौकी को ना 3 से 4 मिनट के लिए ज़रूर भूनें। और 2 इलायची को भी हम तोड़ करके डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आ जाता है। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर खड़ी इलायची को ही तोड़ करके डाल रही हूँ। और 4 मिनट हो गया, देखिए लौकी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, हल्की सी ब्राउन ब्राउन कलर की हो गई है। और लौकी भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, एकदम से इसका कलर ना चेंज हो गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी दिखने लगी है। तो हम इसमें 3 बड़ी चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा चीनी और डाल लीजिएगा। बारीक कटे हुए थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैं यहाँ पर काजू बादाम और थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ। इस टाइम पर ही ड्राई फ्रूट डालिएगा, ड्राई फ्रूट भी भून जाएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी हलवा खाने में। और चीनी हमने डाला था, तो देखिए चीनी अब मेल्ट हो गया है और लौकी बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है, एकदम स्किन कलर की दिख रही है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो अब हम इसमें 1/2 कप के करीब दूध डालेंगे। दूध को हमें गर्म करके ठंडा करके ही लेना है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध का यूज करेंगे। और दूध डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगा लेंगे। इस तरह से जब आप हलवा बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। 2 सीटी लगने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और जब इसका पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ढक्कन खोल करके हलवा को चेक कर लेते हैं। और देखिए दूध हमारा फटाफटा सा आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल मावे का ही स्वाद आएगा। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लौकी को हम कलछी से ही अच्छे से मैश कर लेंगे। लौकी को हमने अच्छे से मैश कर लिया, थोड़े बहुत जो बड़े बड़े चंक्स दिख रहे हैं ना, उसे हम बाद में मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, और लौकी का पूरा पानी हमें सुखाना है। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप के करीब दूध डालेंगे, 2 बड़े चम्मच मलाई डालेंगे। इससे लौकी का हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। और हम सभी के घरों में दाल मिक्स करने के लिए तो होता ही है फ्रेंड्स, दल घोटनी बोलते हैं हमारे यहाँ इसे। आप जब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं। इससे हम थोड़ा सा मैश कर देंगे, इससे लौकी का हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, और लौकी को दूध के साथ अच्छे से सुखा लेंगे। देखिए घी हमारा सेपरेट होने लगा है, तो अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच और घी डालेंगे, और इसे मिक्स करेंगे। इससे हलवा में ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है फ्रेंड्स। लास्ट में जब हम इसमें घी डालते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि आपने कितना सारा घी डाल करके इस हलवे को बनाया है, बहुत ही ज़्यादा बिना मावे के ही ये हलवा। मावे जैसा ही स्वाद आएगा हलवे में फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का ये हलवा बनकर के तैयार होता है। मेरे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। दूध पूरा सूख गया है, घी सेपरेट होने लगा है, तो लौकी का हलवा बनकर के तैयार हो गया। ना ही तो हमें घंटों दूध को सुखाने की ज़रूरत है। 10 मिनट में लौकी का हलवा कुकर में बनकर के तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इस हलवे को व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे लौकी और दूध से ही बनाया है। बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस लगती है खाने में। बारीक कटी हुई थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालेंगे, और गर्मा गर्म लौकी का हलवा इंजॉय कीजिए। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो
अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ऑल को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।